बना ले ले लो यार। आउटपुट बताना है इसका। इसका आउटपुट क्या होगा? क्या चीज है? नहीं, जोड़ना घटाना तो कुछ है नहीं। स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा ये बताइए। नहीं बताओगे? ए नाम का यहाँ पे वेरिएबल बन गया है, इसमें 10 में असाइन कर दिया, डाल दिया, ठीक है। और फिर बी नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें ए कोड रख दिया इसमें, ठीक। और यहाँ पे बी को मैंने प्रिंट कर दिया, तो बी में क्या आएगा? अभी 10 जो है वो ए में चला गया, ठीक है। तो ए का वैल्यू 10 हो गया ना। अब वही ए का वैल्यू इसमें असाइन हो गया होगा, तो बी में कितना आया होगा? और यहाँ मैं 10 को प्रिंट कर दे रहा हूँ, मतलब बी को प्रिंट कर रहा हूँ, तो 10 आना चाहिए ना। PRINT चलिए जी, अच्छी बात है। अब जरा बताइए आउटपुट क्या आएगा। बीस आएगा क्यों? चलिए आ गया 20। अब यहां पे ए को प्रिंट करूं तो क्या आएगा ये बताइए। रुक जाइए, आने दीजिए लाइट। तो बताइए जरा इसका आउटपुट, आप इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? नहीं पता या बताना नहीं चाह रहे? आउटपुट में क्या आएगा? 20 आना चाहिए। 20 क्यों आना चाहिए? बीस क्यों आना चाहिए? मैंने ए को यहाँ पे प्रिंट करा है ना, बी को तो प्रिंट नहीं किया हूँ। बीस में, बी में 20 डाला ना। पीछे बताइए क्या आएगा आउटपुट। क्या आएगा आउटपुट? आप लोग आउटपुट नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब मालूम है क्या है? आप लोगों का ध्यान नहीं है यहाँ पे अभी। आप लोग पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं।
10 आएगा आउटपुट पक्का। ठीक है जी, आ जाएगा तो ठीक है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है जी, जब 10 आ गया आउटपुट तो। डिलीट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, और ओपन कर लेता हूँ मैं पेंट। तो यहाँ पे जो मैं ए नाम का वेरिएबल्स बनाया था, ठीक है, वो था एक नॉर्मल वेरिएबल, ठीक, ए, और इसमें मैंने क्या असाइन कर दिया था, 10, ठीक है, तो ये था एक नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। और हम अब क्या सीखेंगे, बनाना पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल किसे कहते हैं आप लोग बताएंगे, वेरिएबल किसे कहते हैं? पहले दिन में बताया था, पहले दिन में क्या बताया था जी, किसी मेमोरी लोकेशन के नाम को वेरिएबल कहते हैं, राइट। या शायद मैं ये भी बताया हूँ कि किसी भी नाम, किसी भी मेमोरी या लोकेशन के एड्रेस को वेरिएबल कहते हैं, राइट। तो जो नाम है, ठीक है, वो कहलाएगा नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है, मेमोरी लोकेशन का नाम है जो हमने दिया है, ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ऐसा वेरिएबल, ठीक है, जिसके पास एड्रेस रहेगा, ठीक है, जैसे मान लो ये तो वेरिएबल का नाम है जो हमने दिया है, ठीक है, लेकिन मेमोरी में इसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है, इसका पता होगा, ठीक, रैम में एक डब्बा बन गया होगा, ठीक है, तो इसका एक पता होगा, वो पता क्या है, वो पता ही कहलाता है ये वाला एड्रेस, ठीक है। तो ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल या पॉइंटर वेरिएबल इसको कहेंगे, ठीक है। ऐसा वेरिएबल जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस को स्टोर करके रखे वो कहलाता है पॉइंटर वेरिएबल, और जो नाम है, ठीक है, ये वेरिएबल क्या है, ये नाम है, तो ये कहलाएगा नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, और ये कहलाएगा पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, ये जो एड्रेस है। तो पॉइंटर वेरिएबल बनेगा कैसे जी, बड़ा आसान है बनाना पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। आई एन टी लिखा, यहाँ पे कर दिया स्टार कर दिया और बी कर दिया, ठीक है, तो ये कहलाएगा पॉइंटर वेरिएबल, ठीक। अब ये पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करके रखेगा, एड्रेस, ठीक, किसका एड्रेस, इस ए का एड्रेस, ठीक। ए का एड्रेस को कैसे देखना है, ए का एड्रेस, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक एंड का साइन दे देंगे, इसको बोला जाता है एड्रेस ऑपरेटर सी के भाषा में, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो देखिएगा क्या आएगा, कंपाइल रन किया, ये देखिए ये इसका एड्रेस आ गया, पता, ठीक है। अब यही एड्रेस आप चाहे तो इसमें स्टोर करके रख दें, ठीक है, एंड ए, ठीक है। अब आप क्या करो, बी को प्रिंट कर लो जी, ठीक है, तो क्या आएगा, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, आ गया ना एड्रेस। एड्रेस को डी से ना यू से आप प्रिंट करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि रेंज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एड्रेस है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया जी। ये क्या है, वेरिएबल का नाम, ठीक, ये क्या है, ये है वेरिएबल का वैल्यू, ठीक, और ये क्या है, ये वाला जो है, ये है वेरिएबल का एड्रेस, पता है ये वेरिएबल का, तो इसे कहेंगे पॉइंटर वेरिएबल, ठीक, इसको बोलेंगे पॉइंटर। ये एड्रेस जो वेरिएबल स्टोर करके रखेगा उसको कहेंगे पॉइंटर, ठीक है। तो ए बी नाम का वेरिएबल क्या स्टोर करके रख रहा है, ए का एड्रेस, ए का पता स्टोर करके रखा, तो ये कहलाएगा पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए क्या किया जाता है,
स्टार का साइन दिया जाता है और पॉइंटर का नाम लिख दिया जाता है, ठीक है। तो वेरिएबल बनाने का जो नियम कानून है उसी नियम कानून से ये भी बनता है, ठीक है। बस इस पे एक एक्स्ट्रा लग जाता है स्टार, स्टार हमें इंडिकेट कर देता है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टार के साथ अगर प्रिंट करूँ तो क्या आ जाएगा जी, तो आ जाएगा 10, ठीक। ये देखिए 10 आ गया, ठीक 10 आ गया, ठीक है। तो किसी पॉइंटर वेरिएबल में अगर स्टार लग जाता है, इसका मतलब क्या है, किसी पॉइंटर वेरिएबल में जब स्टार लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये बी नहीं है बल्कि यहाँ पे ये इंटरनली ए हो गया, ठीक है। तो किसी भी पॉइंटर वेरिएबल में आप स्टार लगा के जब उसको प्रिंट करते हैं तो जिस वेरिएबल का वो एड्रेस स्टोर करके रखता है वही वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। तो मैंने स्टार यहाँ पे लगा के प्रिंट कर दिया है, ठीक है, तो ये ए को ही रेफर कर रहा है तो ए का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से देख लो ना, ये देख लीजिए बी यहाँ पे वेरिएबल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे इस वेरिएबल में एड्रेस को मैंने स्टोर कर दिया। यहाँ पे एड्रेस लिखने का हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे वैल्यू प्रिंट करने थे, ठीक है। ये देखिए आ गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें स्टार लगाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा जी, उसका वैल्यू प्रिंट करके हमें दे देगा। क्यों? क्योंकि स्टार का मतलब है कि जिस वेरिएबल का ये एड्रेस रखा है वही वेरिएबल ये बन गया खुद, ठीक। चलिए जी, अब मैं क्या करूंगा, स्टार लिखूंगा फिर बी लिखूंगा और यहां पे लिख दूंगा 20, ठीक। अब क्या होगा, मैं प्रिंट करूंगा तो आउटपुट जरा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, 20 आ जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए ना। यहाँ पे कंपाइल रन कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये देखिए 20 आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, ए को ही प्रिंट कर दूंगा। अब बताइए क्या होगा वैल्यू, 10 वैल्यू होगा? नहीं जी, वैल्यू तो 20 ही होगा, 10 नहीं होगा। क्यों? ये देखिए आ गया 20 ना, क्यों? वो कारण इसका ये है कि ये वेरिएबल है, ठीक है, और ये है पॉइंटर वेरिएबल। तो मैंने क्या किया कि ए का एड्रेस, ए का पता मैंने इसमें स्टोर करके रख लिया, ठीक। तो बी में क्या चला गया, उसका एड्रेस चला गया, ठीक है। अब उसके एड्रेस में, एड्रेस को स्टार के माध्यम से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल में जब हम स्टार लगा देते हैं और उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं तो इस स्टार और बी का क्या मतलब है, मतलब है कि यहाँ पे इंटरनली जो है ए हो गया होगा, ए मान लो आप, ठीक है। स्टार और बी लिख दिया मतलब आप मान लो ए, ठीक। और जब ए में 20 असाइन हो गया तो कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा ना। तो देखिए 20 आ गया, ठीक है। तो स्टार लगा के हमने बी में असाइन कर दिया 20, तो इसका वैल्यू बदल गया जी। यही कहलाता है आपका पॉइंटर, ठीक। मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में पॉइंटर नहीं बता रहा हूँ, कोई बिल्कुल साधारण बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंटर वेरिएबल कहलाता है, रेफरेंस वेरिएबल भी आप कह लो। तो ये आपको समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? नहीं है? कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए। कुछ नहीं पूछना, ठीक है। जब कुछ नहीं पूछना तो कॉमा दिया, बी दिया और यहाँ पे 20 दे दिया, ठीक है। फिर कॉमा दिया, टी, एक तो वेरिएबल सी भी दे देता हूँ मैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि ए में 10 है, बी में क्या है 20, ठीक है। तो यहाँ पे बी भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
स्टार लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बी, ठीक है। कंपाइल रन करूंगा तो क्या होगा, 10-20 आ जाएगा, आ गया 10 और 20, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, ए इक्वल टू ये और बी इक्वल टू ये, ठीक है, लिख दिया ये, ठीक है। अब इसको मैं करूंगा प्रिंट तो क्या होगा जी, ये प्रिंट होगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब मैं यहां पे क्या करता हूं कि इसको स्वैपिंग करता हूं। स्वैपिंग का क्या मतलब है, b का वैल्यू को a में डाल दो, a का वैल्यू b में डाल दो, ये होता है स्वैपिंग का मतलब, ठीक है, करके देख ले। चलिए जी, a इक्वल टू, नहीं पहले c इक्वल टू मैं क्या कर देता हूं a, ठीक। और अब मैं क्या करूंगा, a इक्वल टू कर दूंगा b, ठीक हो गया, और b इक्वल टू क्या कर दूंगा c। अब इससे क्या हो गया जी, देखते हैं क्या हो गया। इस लाइन को मैं पहले ऊपर प्रिंट करता हूं, ठीक है, यहां पे प्रिंट करता हूं, उसके बाद स्वाइपिंग करा हमने, ठीक है, ये यहां पे c लिखना चाहिए, कंपाइल रन, कंपाइल रन करता हूं मैं, स्लैश n दे देता हूं ताकि लाइन ब्रेक हो, ठीक है, स्वैपिंग हो गया ना, हो गया स्वैपिंग, तो इसी को कहते हैं जी स्वैपिंग करना, बदल देना वैल्यू, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको क्या करूं, एक फंक्शन के थ्रू स्वैपिंग करूं, ठीक, तो एक फंक्शन बना देता हूं मैं स्वैप नाम से, स्वैप, स्वैप ये करा मैंने ऐसे, ठीक है, आई एन टी ए कॉमा आई एन टी बी, ठीक, इसको कट करा मैंने, डाल दिया इसमें, ठीक है, और सी नाम का एक ठो वेरिएबल यहां पे बना लूंगा ऐसे, बन गया जी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूं, ठीक है, ऐसे मैं वेरिएबल का नाम बदल देता हूं जी, आपको कंफ्यूजन ना हो, जेड, ठीक है, वाई जेड, वाई जेड, वाई जेड, हो गया ना। प्रोग्राम कैसे चलेगा जी, इसी वेरिएबल का तो अब हमें जरूरत नहीं है, तो हटा दिया, इसमें वेरिएबल बनाया, असाइन कर दिया वैल्यू, और फिर यहां पे इनका वैल्यू प्रिंट कर लिया, यही किया हूं। फिर स्वैप नाम का मैंने फंक्शन यहां पे कॉल करा, जेड का यहां पास कर दिया और वाई को यहां पास कर दिया, यही कर दिया मैंने, ठीक है, या फिर y को ऐसे पास कर दूंगा, z को ऐसे पास कर दूंगा सीक्वेंस में, ठीक है, और फिर उसी को यहां पे प्रिंट कर लिया है, ठीक, प्रिंट कर लिया ना, y आएगा कॉपी हो जाएगा a में, z कॉपी हो जाएगा b में, ठीक होगा, और यहां पे c नाम का एक वेरिएबल बनेगा और यहां पे वैल्यू जो है एक्सचेंज हो रहा है, ठीक, तो प्रोग्राम ठीक चलेगा ना, नहीं चलेगा, कंपाइल रन करता हूं, देखते हैं स्वैप होता है या नहीं। ये देखिए कुछ नहीं हुआ जी, नहीं हुआ स्वैपिंग,
क्यों नहीं हुआ स्वैप? देखते हैं, यहां पे जब मैंने y लिखा और यहां पे z लिखा, ठीक है, तो वेरिएबल का नाम यहां पे जब से मैं लिखा, तो ये इसका मतलब है कि यहां मैंने 10 पास करा और यहां पे मैंने 20 पास करा, इसका मतलब यही है ना। तो यहां पे y और z का वैल्यू आ गया और वही वैल्यू यहां पे कॉपी हो गया इन वेरिएबल्स में, ठीक है। तो ये वेरिएबल अलग हो गया, ये वेरिएबल अलग हो गया, दूसरा कॉपी बन गया उसका, ठीक है। ए वेरिएबल जो है अलग था, इसका वैल्यू पास हो गया इसमें और आ गया ए नाम के वेरिएबल में। अब स्वैपिंग तो हुआ इन लोकल वेरिएबल में ना, ये तो अलग वेरिएबल है, इसका स्कोप यहाँ नहीं है और इसका इस ए बी का स्कोप इस मेन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ जी, ये इंटरनली यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर स्वैप हुआ, ठीक है, और फिर हमने जब इसको चलाया तो एज इट इज प्रिंट कर दिया, क्योंकि y का वैल्यू 10 था तो 10 ही रह गया, z का वैल्यू 20 था तो यहाँ पे 20 ही रह गया, ठीक है। वैल्यू एक्सचेंज तो हुआ है इस स्वैप वाले फंक्शन के अंदर जो ab बना है उसके अंदर, समझ में आ रहा है आप लोग को, जो स्वैपिंग हो रहा है वो इसके अंदर हो रहा है, इसके अंदर तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इसीलिए स्वैपिंग नहीं हो पाया, ठीक। चलिए जी, अच्छी बात है। अच्छा, वेरिएबल स्कोप आप लोग समझते हैं नहीं समझते? नहीं समझ में आता वेरिएबल स्कोप का क्या मतलब है? जो वेरिएबल जहां बना है जिस ब्लॉक के अंदर, उसी ब्लॉक के अंदर उसका एक्सेसिबल है, उसका बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक ठीक है। जैसे मान लीजिए एक राज्य के अंदर कौन रहता है जी? मुख्यमंत्री होता है, लेकिन एक देश में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री का जो स्कोप है, जो पावर है, वो राज्य के अंदर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो देश का होता है ना, तो पूरे देश में जो है प्रधानमंत्री का पावर चलता है, ठीक है। तो आप ये कह लो कि प्रधानमंत्री का स्कोप जो है वो देश में है और मुख्यमंत्री का स्कोप राज्य के अंदर है, कलेक्टर साहब का स्कोप जो है जिले के अंदर है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से INTY मैंने बनाया इस मेन मेथड के अंदर, तो जो y नाम का वेरिएबल है वो मेन मेथड के अंदर ही है, ठीक है, और ए इंट ए और b नाम का वेरिएबल मैंने बनाया स्वैप के अंदर और c नाम का वेरिएबल स्वैप के अंदर बनाया, तो इन वेरिएबल का स्कोप स्वैप के अंदर ही है, ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये वेरिएबल स्कोप कहलाएगा। अब फंक्शंस के थ्रू स्वैप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? वही पॉइंटर का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे y और z का एड्रेस अगर हम पास कर दें जी, ठीक है, अगर हम एड्रेस पास कर देंगे तब तो स्वैपिंग कर सकते हैं ना हम। जैसे पिछला जो प्रोग्राम था हमारा, ठीक है, पिछले प्रोग्राम में तो हम बदल दिए थे वैल्यू ना दूसरे वेरिएबल का, क्यों? ए नाम का जो वेरिएबल था उसका वैल्यू तो हम बी नाम के वेरिएबल से बदल दिए थे ना पिछले प्रोग्राम में एड्रेस पास करके। तो ठीक यहाँ पे हम क्या करेंगे जी? एड्रेस पास कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हम एड्रेस पास कर देंगे। तो एड्रेस हमने पास किया मतलब इसको होल्ड करने के लिए ए और बी में क्षमता होना चाहिए, पर ये तो साधारण वेरिएबल है उसमें क्षमता नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे जी? पॉइंटर नाम का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए क्या करेंगे? लगा देंगे स्टार, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम कि सी जो है, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ आप लोग इतने को ध्यान देना, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बन चुका है, इसको थोड़ी देर के लिए ध्यान मत देना आप लोग, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू सी में होल्ड करके रख लेते हैं, फिर ए में बी का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर बी में डाल देते हैं सी का वैल्यू, सी का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू पहले रख लिया था, तो स्वैपिंग हो जाता है, ऐसी होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल हमने बना रखा है ऊपर, ठीक है, तो सी में क्या करेंगे हम? ए का वैल्यू स्टोर करके रख लेंगे, मतलब y का वैल्यू, यहाँ पे y पास कर रहा ना, तो y को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a के साथ स्टार लगाना पड़ेगा, मतलब
आप जानते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल के साथ अगर आप स्टार लगा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जिस वेरिएबल का एड्रेस उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर होगा वही वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने लगता है, ठीक। तो स्टार ए लिखेंगे तो इसका वैल्यू जो है इसके अंदर चला जाएगा, समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिर यहां पे क्या कर लेंगे जी, ये कर देंगे ना, सिंपल सा बात, ठीक। ए में वैल्यू किसका डाल देंगे, बी का जी, और फिर बी का, बी में किसका वैल्यू डाल देंगे, इस सी का। सी क्या है, सी तो नॉर्मल वेरिएबल है, तो सी का वैल्यू जो है इस बी वाले में चला जाएगा, ठीक। बी क्या है जी, बी तो यहां पे, और ये जेड का एड्रेस रखा है, जेड का एड्रेस रखा है ना, तो जेड को यहां पर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टार बी लिखना पड़ेगा। देखते हैं जी स्वैप होता है कि नहीं। चलिए जी, ये तो स्वैप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जी आप काम कर लोगे, ठीक है। अच्छा, ये एंड यहाँ पे हम लिखते हैं, मतलब एड्रेस देते हैं। आप स्कैनएफ में देखते हो ना, एड्रेस हम देते हैं स्कैनएफ, ठीक है, स्कैनएफ में ऐसे देते हो ना आप एड्रेस, यहाँ पे परसेंट डी दे देते हो, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे ये लिख के ऐसे एड्रेस ऑफ ए लिखते हो, ठीक है। तो इंटरनली क्या होता है जी, कि आप एड्रेस पास कर देते हो तो स्कैनएफ जो रिसीव करता है जो पैरामीटर, वहां पे भी तो इसी तरह से दिया होगा ना। यहां पे मैं जो जेड वेरिएबल ना का नाम बदल दिया हूं, वो इसलिए नाम बदला था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अलग अलग वेरिएबल हो तो होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप सेम नाम से वेरिएबल रख सकते थे, ठीक है। तो स्कैनएफ में जब आप लिखते हो ये एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, या ए का एड्रेस पास करते हो, तो स्कैनएफ क्या करता होगा, इसी तरह से रिसीव कर लेता होगा स्टार 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 लगा के, ठीक है। तो ये है जी इसका मतलब, ठीक है। और ये हमारा जो है स्वैप हो चुका है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम में कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ लीजिए, कुछ चीजें नहीं समझ में आया तो बताइए, ठीक है। यहां हम एड्रेस के जरिए जो है बदलाव किए हैं, ठीक है, तब जाकर के हमारा स्वैपिंग हो पाया है, ठीक है जी। कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना है, नहीं पूछना है, पूछना है, नहीं पूछना, कुछ पूछना है, लिखेंगे तो लिख लीजिए, फोटो वगैरह खींचेंगे तो खींच लीजिए आप लोग। मैंने यहां पे जैसे ये करा है ना, तो आप क्या करोगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, आप लिख लीजिए इसको फिर बता। तो ये फाइव यहाँ पे कर दिए थे, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें किसी को, हटा दूं इसको। चलिए जी, ये दो ठो वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब आई एन टी कर लेता हूँ, दो ठो पॉइंटर वेरिएबल बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है, और क्या करूँगा, ए में स्टोर कर दूंगा वाई का वैल्यू, ठीक है, और बी में क्या स्टोर कर दूंगा मैं, जेड का वैल्यू, जेड का एड्रेस स्टोर कर दूंगा, वैल्यू मैं गलत कह रहा था, यहाँ पे भी एड्रेस स्टोर कर लूंगा, ठीक है। दोनों जगह में वाई कह लीजिए, जेड होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा जी, प्रिंटएफ के अंदर सीधा प्रिंट कर दूंगा, क्या, दोनों को जोड़ करके, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक। इनमें स्टार लगा दूंगा, मैं स्टार लगा दूंगा तो क्या होगा, वो बन जाएगा एक्स और एक्स बोल रहा हूँ, वाई और जेड बन जाएगा ये, ठीक है। अब जोड़ दूंगा तो ये जुड़ जाएगा जी, ठीक है, ऐसा जुड़ गया ये, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल से ऐसे जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। रन टाइम मेमोरी एलोकेशन वगैरह भी पॉइंटर से हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है।
तो इस पॉइंटर वेरिएबल के माध्यम से हम इनका वैल्यू चेंज कर लेते हैं, आप समझ ही गए अब, ठीक है। तो लिख लो आप इसको, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए। सी का जो सी प्लस प्लस में जो जो मैंने बोला था वो काम कर लिया आपने, जितने भी आपने काम करे है ना सी में, जितने टास्क थे वो सारे काम आप सी प्लस प्लस से कर लीजिएगा, ठीक है। सी प्लस सी में जो प्रोग्राम आपने बनाया था ना वो याद है नहीं है? हाँ, तो उसी को सी प्लस प्लस में बना दीजिए। हाँ, एस टी डी मैं बताऊंगा, जैसा मैंने बताया था ना प्रोग्राम वैसा ही बताइएगा, मैं एस टी डी के बारे में बताऊंगा, स्टैंडर्ड है वो, ठीक है। तो ये भी लिखना तो लिख लो जी। तो कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है? है कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, नहीं है तो अच्छी बात है जी। तो बाकी कल देख लें, अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। क्या ये लिखिए, लिख लीजिए, तब तक मैं इसको